घर उथल पुथल हो गया 2 मिनट के अंदर ही भाई, बहुत सारा काम है। और कर सामान हाथ टूटता है, दूसरे घर चले जाओ मम्मा के साथ। किचन को संभालती जा रही है, यहाँ पे किचन बढ़ता जा रहा है। डिलीशियस है मतलब खाने में, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। क्या सीन हो गया गाइस, हम एक एक सामान लेके जा रहे हैं। मुझे पता कौन सा टाइम याद आ रहा है, जब वो ऊपर वाला फ्लैट लगा रहे थे और सारे लोग लगे हुए, जितना काम कर सकते सब ने किया। एक दो जगह चोट भी लगी है, फिंगर में चोट लग गई, ये वाली अलमीरा अपनी डैमेज होगी पूरी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। और अभी हो चुकी है शिफ्टिंग का काम चालू, घर उथल पुथल हो गया 2 मिनट के अंदर ही भाई, क्योंकि बहुत सारा काम है और करने में टाइम लगने वाला। थैंक यू सो मच भैया, कुछ काम खुद करना पड़ रहा है भाई, बिकॉज कुछ सेंसिटिव सामान है। मेरा बच्चा सो रहा है, बीबी देखो तसल्ली से बस सोता रहेगा थोड़ी देर और, इतने में तो काम हम उठा देंगे सारा। शिफ्टिंग इज रेडी गाइस। ये हो चुका है सफाई अभियान शुरू। गुड मॉर्निंग राजा, इसको पैकिंग कैसे बोलते हैं, कपड़ों की पैकिंग होती है। इसको लग रहा है कि वो वैसे जब कहीं बाहर जाते हैं कपड़े पैक करके रहते हैं ना, वो पैकिंग बाबू दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो उसकी पैकिंग चल रही है बाहर। आए डेरा, बहुत सारा सामान जा चुका है यहाँ से दूसरे फ्लैट के ऊपर, मजा आ गया। कर्टन सेट हो चुके हैं वहाँ पे। सामान हाथ टूटता है, लड़ा नीचे बच्चे और टीवी जब वो जब बच्चे बल्कि नहीं होती वो भी हाथ टूटती है, और गाइस ये भी नहीं हटा है। बता दो ये तो गुलकुंडी है, कंफर्म कर लूं पी के एक बार। पक्का गुलकुंडी है ना? पक्का गुलकुंडी है ना? मैं कह रहा कि कभी फंस गया दवाई ले लूं। दादा ये फंस गया, किधर आओ, क्या है गुलकुंडी है, ये कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक है ना। ये मेरे से ना कोल्ड ड्रिंक ले आया और कह रहा डाडा कैसे बोल देंगे गुलकुंडी है ना, कोल्ड ड्रिंक लाया ना, कोल्ड ड्रिंक मम्मा। अरे सब आप इस ले जाओ, आप इसमें ले जाओ, लोग गुलगुंडी लगा मम्मा आप बच्चे को बिगाड़ रही हो। अरे गोदी कह रहा हमने डैडा को बोल देंगे गुलगुंडी है, मम्मा इसमें थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक मम्मा लाई होंगी, आप तो कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं हो, मम्मा लाई होंगी। पेप्सी पेप्सी। राजा दूसरे घर चले जाओ मम्मा के साथ, और मम्मा की हेल्प करना, परेशान मत करना ओके। मैं यहाँ से सामान भेजता हूँ तब तक, अभी बस नहीं, आप मम्मा जा रही है अभी आपको लेकर। धन्य हो माँ का कि उन्होंने लास्ट मोमेंट में सारे गलते बचा के, कुछ दिनों ने बोला था माँ क्यों कर रही यार, क्या दिक्कत है, यही तो चल रहा है काम, इसीलिए आज रियलाइज हो रहा है किचन को संभालती जा रही है, यहाँ पे किचन बढ़ता जा रहा है। वाह दीदी वाह, क्या बात है दीदी, तो जितना सामान निकाल रही है उतना ही और पता नहीं कहाँ से आ जा रहा है सामान। दीदी प्रोटीन कितना बचा है अपना, भी थोड़ा सा ना, चलो मंगाना पड़ेगा आज फिर। वाह वाह भाग जाओ, माँ होती आपको बहुत फायदा होता है ना। तो गाइस अभी फिलहाल शिफ्टिंग प्रॉपर चल रही है, और अभी भाई जैसे ऊपर आए उन्होंने कहा यार क्या सीन है मैं, मैं 2-3 घंटे बाद आया और तो काम ही उठा दिया सारा आपका, 10 बजे से शुरू हो गई हम लोग काम करने पे, और जब तक कुर्सी उठी तब तक भी मैंने आटन वाटन बना के सामान डालना चालू कर दिया था। तो ये है कि वो दूसरे फ्लैट पे वो भी शिफ्टिंग में हेल्प कर रही है, और इधर हम लोग कर रहे हैं, और भाई मजा आ गया, मतलब खाली हो चुका पूरा, खाली हो चुका पूरा, कचरा जब निकलेगा ना खत्म हो जाएगा सारा, ये जैसे जैसे पॉलिथीन वगैरह है ना सब खत्म हो जाएगी। तो गाइस आज हमारे लिए मेन टास्क क्या है कि सामान एज इट इज यहाँ से उठा रहे हैं और एज इट इज वहाँ लगा रहे हैं। मुझे ये था कि जितना कम पजल हो उतना कम रखेंगे, क्योंकि एक बार अगर भसड़ में फंस गया ना खत्म हो जाएगा काम। तो बस यही है, सब ठीक चल रहा है अभी तक तो, विद ऑल द सेफ्टीज। और मेन जो कवर्ड थी ये जानी शुरू हो गई है, शुभांशु और वाली जो जिसमें इनका सामान रखा था, ये वाला रूम पूरा क्लीन हो चुका है जहाँ से हमने आई मैक वगैरह निकाल के भेज दिया। इस बार हम इस रूम को थोड़ा अलग से मैनेज करेंगे, जिससे कि थोड़ा रूम में सांस आ जाए, भले हमें कवर्ड से एक्स्ट्रा करनी पड़े, क्योंकि स्टैंडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि इस चीज पे हम प्रॉपर स्पेस नहीं दे पा रहे हैं, रखनी तो स्टैंडिंग भी पड़ेगी, लेकिन किसी और तरीके से इस बार मैनेज करेंगे इस रूम को। गाइस अभी हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारा जो ये वाला सोफा है हमने उस फ्लैट के अकॉर्डिंग बनाया था, बस
वो फ्लैट ऑपोजिट था तो सोफा इस तरफ था, तो वो वाली जो सीट थी इस तरफ थी तो सेट हो गया था, अभी हमसे सेट नहीं हो रहा। अब आपने क्या करा, पहले बॉडी बनाने का टाइम था, बोल रहा बॉडी बनाना टाइम और वो मार रहा पुशअप। गाइस फिलहाल चल रहा है वड़ा पाव एंड समोसा पाव, तो आज हम लोग समोसा पाव ट्राई कर रहे हैं। मतलब ये इतना डिलीशियस है, मतलब खाने में क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मुझे वड़ा पाव कम पसंद है इसलिए मैं वड़ा पाव कभी नहीं खाता, मतलब कम खाता हूं बहुत समोसा पाव। वाह, और इस वेदर के साथ बॉम्बे में आई लाइक इट। क्या बेटा क्या सीन हो गया, ये किका वड़ा पाव है। आओ 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 टेढ़ा खिलाएंगे, कम कम कम, एक बाइट लेके देखो, अगर मिर्ची लगी तो नहीं खा पाओगे ना बेटा, कम एक बाइट लेके देखो। हाँ जी, मुझे लग गया, ये अभी लगेगा, अभी लगेगा कि लग गया। ठीक है अभी डाटा जा रहे हैं नहीं घर में, क्योंकि थोड़ा सा काम करके आना है उनको। ठीक है, और भाई हमने एक दिन मस्ती मस्ती में आई कैसे टूल किट उठा ली थी, इसको इतना काम आ रहा है ना आज, क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब ये हमेशा काम आती है, तो क्योंकि एक तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसमें सारी एक्सेसरीज है, तो मज़ा आ गया मतलब इसे देखे, और सारा काम हो जा रहा है बड़े इजीली। पहले हमारा ये विंग हुआ करता था सामने वाला, और अब हमारा उधर शिफ्ट हो गया है, ये तो दो विंग दिख रहे हैं इनके सेंटर में, मतलब दिखना शुरू होगा वो वाला बीच वाला, यस दिस वन, घर भी दिख जाएगा। हम लोग आयुष भैया के घर पे आए हैं क्योंकि हमारा सामान पैक हो गया, राजा को परांठा खिलाना है। आवाज लगाओ आयुष चाचू को। आयुष चाचू। गाइस हमारे दोनों घर में शिफ्टिंग की वजह से बुरा हाल हुआ है, तो हम आयुष भैया के फ्लैट पे आए हैं क्योंकि राजा को खाना खाना था। अब राजा खाएगा परांठा, पहले परांठा खाएगा फिर टॉफी। राजा और आप टीवी में क्या देखने लग रहे हो? गाइस हम एक एक सामान लेके जा रहे हैं, मैं और राजा अभी हम लोग पनीर लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये इधर आता है तो इसको दूसरे घर में जाना होता है, जब ये न्यू घर में जाता है तो तब इसको कहते होता है मुझे दूसरे घर में जाना है। इस लड़के ने मुझे परेशान ही कर दिया है बदमान। यार हम लोग सामान लगाते जा रहे हैं पर ये खिला रहा है, ये मुझे पता कौन सा टाइम याद आ रहा है, जब वो ऊपर वाला फ्लैट लगा रहे थे और पूरे हॉल में कूड़ा ही कूड़ा था, और जब अब छोड़ गया कितना साफ था क्या। लेने की हिम्मत कर पा रहा हूँ 3 घंटे के बाद अराउंड, क्योंकि इतना ज्यादा मैसअप हो गया घर में, सामान आ गया बहुत जल्दीबाजी में सारा का सारा घर में, और सारे लोग लगे हुए जितना काम कर सकते सब ने किया, एक दो जगह चोट भी लगी, ये फिंगर में चोट लगी और इधर लाइन लुइन खींच गई थी, हाँ फिंगर पे इसमें चोट लगी हाथ पे, और ये डैमेज होगी अलमीरा, आप देख सकते हो ये वाली अलमीरा अपनी डैमेज होगी पूरी, और एक इस जगह से भी डैमेज होगी, अंदर से पूरा फट गया मतलब इसका ये वाली चीज़, ये वाली तो शिफ्टिंग करते हुए पूरी टेंशन होती है भाई, जब शिफ्टिंग करते हैं ना खर्चा इतना होता है और मतलब पूरा अजीब हो जाता है। आप लोगों को राजा की हिम्मत माननी पड़ेगी, वो मैनेज हो रहा है बड़े आराम से, कार्टून देख रहा है बैठ के, अभी परेशान होने लगा थोड़ा थोड़ा, कार्टून देख रहा है और बात कर रहा है दीदी के साथ घर, और दिखाता हूँ आप लोगों को, ये चल रहा है दीदी यहाँ पे काम कर रही है, किचन लगा रही है, शोरीने वाला रूम पूरा मैनेज कर रहा है, और खुशी यहाँ पे अभी वॉशरूम को सेट कर रही है फिलहाल। चला बेटा काम, हालतें खराब है, ये रूम लगाया पूरा गाइस थोड़ा थोड़ा करके कैसे कैसे करके पता नहीं मैनेज किया है, बहुत हिम्मत चाहिए भाई सच में, मतलब मम्मी और बोल भी रहे थे घर वाले कि भाई तुम लोग कैसे करोगे अकेले, अब समझ आ रहा है कि वो लोग क्या सोच रहे होंगे, कि सही बात है बच्चों की तो हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं हिम्मत रखी हुए हैं सब बने हुए हैं। मेरे जिम के इतने आउटफिट्स हो गए सारे जिम के हैं कि मैं लगातार लगा थकी, इसमें थोड़े बहुत तो स्विमिंग के होंगे बाकी सारे जिम के हैं, और सही में अभी थोड़ा सामान लगा इतना और रह रहे हैं, साफ में मेरे कपड़े और बाहर भी मेरे कपड़े हैं, हाय थक गए यार गाइस आज तो हालतें खराब हो गई हालतें। मैं मसाज कराने गई थी गाइस क्योंकि थक गई थी बहुत ज्यादा, और आप क्या कर रहे थे? तीन बार बोला। सो गाइज मैंने मसाज करवा ली है और घर काफी क्लीन लग रहा है, मतलब एकदम ही क्लीन हो गया।